मास्क तो डिमांड बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक एक वेंटिलेटर तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम अपने सीमित संसाधनों में इस जंग को लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज कहा जाए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार धीरे धीरे इन्हें आगे बढ़ रही है, कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस संक्रमण में भी पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में भी रंगते दिख रही है, अब आप देखिए कई देश ऐसे रहे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ी तो वहां के राष्ट्रपति फूट फूट कर रोने लगे, और हमारे देश की स्थिति देखिए वर्चुअल रैलियां प्रारंभ हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो था ही, वीडियो के माध्यम से अपने संदेशों का आदान प्रदान होता था, और वर्चुअल को भी इन लोगों ने अपने राजनीतिक ये में शामिल कर दिया है। और जिस तरीके से इसमें पैसे ये लोग खर्च कर रहे हैं, मुझे लगा कि जैसे कि बिहार की बात है, वर्चुअल रैली की जो बात आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 150 से 1000 LED, और आज मुझे लगता है कि उन पैसों से पूरे देश के प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कई सवाल हैं, और इनको लगता है कि अगर इस संक्रमण में अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो ये मुझे लगता है कि आज के दिन में देश का हर नागरिक की आंखें खुल चुकी हैं। आज धन बल के दम पर एक तरफ से देश में संक्रमण की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था गोते खा रहा है, लोग ट्रेनों में मरने पर मजबूर हैं, पटरियों पर मरने पर मजबूर हैं, महिलाओं की सड़कों पर प्रसव हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार पार्टियां तोड़ने में लगी। अरे भैया एक चीज आप तो बोल दिया, कौआ कान ले गया, आप कौआ के पीछे पीछे भाग रहे, कान तो देख रहे रहे। भैया केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही थी, एक एक दाना जो अनाज मिल रहा है लोगों के घर में पहुंच रहा है वो कौन दे रहा है? वो झारखंड सरकार दे रही है क्या? ये आप नहीं जानते हैं क्या? केंद्र सरकार सारे कार्डधारियों को दे रही है, जिनके पास कार्ड नहीं है उसको भी देने का काम कर रही है। हर जनधन योजना खाताधारी के खाते में 500-500 रुपये प्रत्येक महीना दे रही है, किसानों के खाते में 2000 रुपये डायरेक्ट जा रहे हैं। कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है कि ये राज्य सरकार दे? तो सवाल ये है कि हम वर्चुअल रैली यदि कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भैया कहा गया है ना कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर तेरे मर्ज की दवा क्या है? तो सवाल है कि वो परेशान इसलिए हैं। अरे भैया हम बैठ करके यदि हम सोशल मीडिया पर यदि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं उसमें उनको दिक्कत क्या है? हम तो करेंगे, आप भी कीजिए, कहाँ दिक्कत है? ये नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ जो है अपना पीठ थपथपाएंगे, और वो क्या बात करेंगे जी? जो एक हिंदपीढ़ी को नहीं संभाल सका पूरा राज्य सरकार, वो क्या बात करेगा? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ।